बेटा तू तो पूरा दिन फोन में गेम खेलते बैठता है। गेम्स तो हमारे जमाने में हुआ करते थे। दादाजी, अब वो जमाना गया। पर बेटा गेम्स ऐसे खेलो जिससे शारीरिक व्यायाम हो। बाहर जाके खेलने होते गेम्स, शारीरिक कष्ट भी होना चाहिए ना, ऐसे फोन पे नहीं खेला करते। दादाजी, लेकिन अभी तो लॉकडाउन है, हम लोग मतलब बाहर भी नहीं जा सकते और कोई आएगा भी नहीं। तो बेटा घर में जो गेम्स है वो खेलो। चेस खेल सकते हो तुम, पत्ते खेलो परिवार वालों के साथ। पूरा दिन ऐसे फोन में लगे रहोगे तो आंख खराब हो जाएगी बेटा। मुझे एक बात बताइए दादाजी, ये तो रियल लाइफ सीओसी है, ठीक है? तो अपने पास हील स्पेल है और वो हीलर दीदी भी है ना, कुछ हो गया तो टेंशन नहीं है। तेरे सीओसी से मुझे एक बात याद आई। तुझे पता है एक बार जब मुझे चलने में तकलीफ हो रही थी और मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था, तब तूने मुझे हील स्पेल पिलाया था और मैं तुरंत ठीक हो गया था। हाँ पता है। और एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था, मुझे अस्पताल में लेके गए थे और सभी डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, तभी तूने मुझे अस्पताल में हील स्पेल पिलाया था और मैं ठीक हो गया था। हाँ, लेकिन आप ये सब क्यों बता रहे हो? क्योंकि बेटा आज तक ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी मैंने जो हील स्पेल से ठीक ना हुई हो। देखिए दादाजी, आप बात को घुमाइए मत, साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहते हो। आज इस दुनिया में इतनी बड़ी महामारी फैली है, ये जो कोरोना वायरस है, तो बेटा मेरे ख्याल से हील स्पेल इसे भी तो ठीक कर सकता है ना। हाँ दादाजी, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब ये बीमारी इतने दिनों से फैली हुई है, ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? और अगर ये हील स्पेल जो है हमारे पास, अगर ये काम कर गया तो न जाने कितनी जानें बचेंगी, हम लोग इस दुनिया को बचा सकते हैं। और अब तक ऐसी कोई भी बीमारी नहीं हुई जिसे मतलब अपना हील स्पेल नहीं हील कर सकता। बस अभी हमें ना हील स्पेल किसी न किसी कोरोना पेशेंट के ऊपर ट्राई करके देखना पड़ेगा। हाँ तो हम हॉस्पिटल तक इस दवाई को पहुंचाते हैं, वहाँ कोई ना कोई डॉक्टर इसे कोरोना के मरीज को दे देगा और उस पे टेस्ट कर लेगा। सही कहा, मैं अभी के अभी ना ही हिल्स पे लेके निकलता हूँ। लेकिन बेटा जाएगा कैसे? रास्ते से जाना तो सही नहीं होगा अभी इस वक्त। दादाजी आप टेंशन मत लो, देखो अभी मैं रास्ते से तो नहीं जा सकता, कोरोना का खतरा है, तो एक काम करता हूँ, मैं उड़ के चला जाऊंगा। पर कैसे? दादाजी मैं एक सीओसी प्लेयर हूँ, ऑप्शंस की कमी नहीं होती, आपको तो पता है मेरे पास ढेर सारे फ्लाइंग ट्रूप्स हैं, कोई ना कोई ट्रूप मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचा ही देगा। एक बात बताओ बेटा, आज मुझे तुझ पे गर्व है कि तू एक सीओसी प्लेयर है। दादाजी अब आप मुझे इमोशनल कर रहे हो, चलो मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, हमें कोरोना वायरस का एंटीडोट मिल चुका है। हाय गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये वीडियो के एंड में जो हमने एक मैसेज दिया है वो एक उम्मीद वाला मैसेज है इस चीज के लिए कि ये तो मैजिकल वर्ल्ड था वीडियो वाला, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं, प्रे करते हैं कि हमें कोई ना कोई हील स्पेल जैसी दवाई इसके लिए मिल जाए, कोरोना वायरस के लिए, ताकि इसके वजह से जो जो लोग तकलीफ में है वो इससे बाहर आ जाए और दुनिया जो थम सी गई है फिर से वापस चलने लगे। तो लेट्स प्रे कि हमें ऐसी कोई ना कोई दवाई मिल जाए कोरोना वायरस के ऊपर। तो बस यही था वीडियो आज का। ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमेशा की तरह इसे लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो। कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने सोचा कि एक मैसेज रखते हैं इसमें, कि कहीं ना कहीं इस फन एंड एंटरटेनमेंट हम लोग जो रियल लाइफ बनाते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं एक उम्मीद वाला या होप वाली चीज़ बताएं, तो इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपकी व्यूज़ भी शेयर करना और इस वीडियो को शेयर कर दो सभी के साथ,
और सीओसी प्लेयर्स के साथ तो डेफिनेटली शेयर कर देना, और बस हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो गाइस जब तक हमें ऐसी कोई ना कोई दवाई नहीं मिल जाती कोरोना वायरस के लिए, और गवर्नमेंट जब तक बोलती नहीं है बाहर निकलने के लिए, तब तक मत निकलना। स्टे एट होम, बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।